हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। 100 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो तीन दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और जो भी टॉपिक बीच बीच में छूटे हुए हैं उसको भी मैं पूरा जल्द से जल्द पूरा करूँगी। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बेस्ट वीडियो, बेस्ट प्रैक्टिस सेट एंड सभी थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज दिए गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी डिटेल में पढ़िए। एंड एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम जल्द ही होगा, जैसा कि उसका फॉर्म अप्लाई नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। एंड EMRS एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म अप्लाई हो ही रहा है। एंड इतना दिन फॉर्म अप्लाई किए हो गया UPDGT का, वो भी जल्द से एग्जाम होगा। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने मत दीजिए, यही आपके लिए अवसर है। एंड चाहे NVS का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपने तैयारी में लग जाइए। कोई भी प्राप्त हो जाए एक आपके सिक्योर होने के लिए, लाइफ सिक्योर होने के लिए। तो दोस्तों, मेहनत करेंगे तभी आपको होगा, क्योंकि कंपटीशन हाई रहेगा, लो नहीं रहेगा। जितना आगे बढ़ रहा है समय उतना ही हाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर, जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप सभी भी अपना स्कोर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो दोस्तों, पैरा ओलंपिक खेलों का मोटो है स्प्रिट इन मोशन। क्या है? स्प्रिट इन मोशन। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में साई का हाइपोक्सिक सेंटर स्थापित है? तो सोनीपत में। कहां पे है? सोनीपत में। नेक्स्ट है, WHO का गठन किस तिथि को हुआ? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। नेक्स्ट है, आत्मविश्वासी होना स्वास्थ्य के लिए किस आयाम में आता है? तो दोस्तों, स्वास्थ्य के मुख्य रूप से 4 आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हैं, जिसमें से आत्मविश्वासी होना मानसिक आयाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों, एगमार्क का रिलेशन जो है वह खेती के उत्पादन से है। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, सफाई कर्मचारी एंड प्रधानाचार्य। तो जो उसका प्रबंधक रहेगा यानी कि मालिक रहेगा, मुख्य रूप से वही जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, प्रधानाचार्य। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालय की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की है? तो इसको की है आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट है, किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है JB Nash का, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न अंगों की माप किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, शरीर के विभिन्न अंगों की माप का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री। किससे? एंथ्रोपोमेट्री यानी कि मानवमिति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के संबंध में निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे 5-6 मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स से रिलेटेड है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र भी आता है, अध्यात्म शास्त्र यानी कि मेटाफिजिक्स भी आता है, बट यहाँ चिकित्सा शास्त्र एक अलग विषय है, ये इसमें नहीं आता।
नेक्स्ट है निम्न को कालक्रमिक रूप में लिखिए। तो दोस्तों यहां पे राइट होगा डी, यानी कि सबसे पहले सुकरात हुए, उसके बाद प्लेटो हुए, फिर उन अरस्तु हुए, यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, फिर उसके बाद हुए विलियम जेम्स। नेक्स्ट, ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में। नेक्स्ट है, शलभासन में किसकी आकृति बनती है? जैसा कि शलभासन आप देखे होंगे चित्र में, तो इसका मैं सभी योग आसन का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। जैसा कि शलभासन को टिड्डी आसन भी कहा जाता है, टिड्डी जैसी आकृति इसमें बनती है। पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को मजबूती से पेट के नीचे पकड़ के दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और गर्दन को भी ऊपर उठाते हैं, तो टिड्डी जैसी आकृति बन जाती है। नेक्स्ट, स्वाध्याय का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है अष्टांग योग के, जिसमें से यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आता है। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान आता है। तो यहाँ पे स्वाध्याय जो है नियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? नियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, त्राटक क्या है? तो त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। क्या है? त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया के अंतर्गत जिसे सटकर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सट कर्म 7 कर्म आते हैं, नेति, दोति, नौली, वस्ति, त्राटक एंड कपालभाति। इसके बारे में, शुद्धि क्रिया के बारे में डिटेल में बताया है गया है। उस वीडियो को देखने के बाद शॉर्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो 2020 की बात कर रहा है, तो कौन सा मनाया गया? 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 में मनाया गया, 2020 में मनाया गया। 21 में 7वां, 22 में 8वां एंड 23 में 9वां मनाया गया। इसका शुरुआत 21 मई 2015 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है? योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम है मोरारजी देसाई संस्थान। नेक्स्ट है, मदिरा में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो मदिरा यानी कि शराब में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो इसमें इथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथेनॉल नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट में कौन सा रसायन तंत्रिका तंत्र व हृदय गतिविधियों को बढ़ा देता है? तो वो होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन जो है सिगरेट में कौन सा रासायनिक तंत्रिका रसायन जो है तंत्रिका तंत्र व हृदय गतिविधियों को बढ़ा देता है, तो निकोटीन। यानी सिगरेट में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन, और शराब में इथेनॉल। नेक्स्ट, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाडा का मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कनाडा हो जाएगा। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसिन शहर में हुआ था। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में। अब वर्तमान अध्यक्ष है बिटोल्ड बांका। एंड जो है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में क्या उत्तोलक के संबंध में विषम है? उत्तेजक के संबंध में क्या उत्तेजक यानी डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से क्या उत्तेजक के संबंध में विषम है?
तो दोस्तों यहाँ पे कोकीन हो गया, मिथाइल एग्जामिनाइन एंड एम्फिटामाइन, ये तीनों उत्तेजक के अंतर्गत यानी स्टिमुलेंट्स के अंतर्गत आता है, बट बीटा ब्लॉकर्स इसके अंतर्गत नहीं आता है, एक अलग प्रकार का डोपिंग है के अंतर्गत आता है, जिसमें एकाग्रता जो है बढ़ जाती है और कंपन जो है शरीर का खत्म हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग ज़्यादातर तीरंदाजी एंड शूटिंग में किया जाता है, जो विशेष खेलों में प्रतिबंध है तीरंदाजी एंड शूटिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेटिक्स के संबंध में, इनमें से मेल नहीं खाता तो कौन नहीं खाता है, तो फुटबॉल। डायरेटिक्स जो होता है डोपिंग के अंतर्गत आता है, जो भार को शरीर के भार को कम करता है, तो यहाँ पे जूडो कबड्डी बॉक्सिंग वाले खिलाड़ी इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बट फुटबॉल इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है निम्न में से किसके सेवन से महिलाओं में पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं, तो यहाँ पे एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के लेने से महिलाओं में पुरुष जैसे गुण आ जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछाना। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डोपिंग के क्षेत्र में प्रयोग करने किए जाने वाला डोपिंग के क्षेत्र में आता है एनाबोलिक स्टेरॉइड। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में डोपिंग को पहली बार शपथ में शामिल किया गया, तो 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ लिया गया। नेक्स्ट निम्न में से क्या विषम है, दोस्तों टर्निक एंड ट्राई एंगुलर बैंडेज एंड स्लिंग, ये तीनों क्या हैं, एक जैसे हैं, बट यहाँ पे चार्ली हॉर्स जो है वो विषम है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह विषम है, ऑप्शन नंबर सी विषम है, क्योंकि चार्ली हॉर्स जो है वह मसल्स का इस एक प्रकार का क्रैम्प है यानी या कंट्यूजन है, बाकी का संबंध प्राथमिक उपचार से है, एक प्रकार का बैंडेज है। नेक्स्ट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में किया गया। नेक्स्ट है चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार के रूप में RICE नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसमें ई से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों आर से तात्पर्य होता है रेस्ट, आई से बर्फ लगाना, सी से कंप्रेशन यानी दबाना, ई से इलेवेशन यानी कि हृदय के ऊंचाई से ऊपर उठाना और जहाँ पे चोट लगा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ई का मतलब यहाँ पे इलेवेशन होता है। नेक्स्ट दोस्तों कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरी रहती है, तो कोल्ड स्प्रे में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इथाइल क्लोराइड एंड मीथेन गैस भरा रहता है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या तात्पर्य है, तो फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, तो फिजियो से तात्पर्य क्या हो जाएगा, फिजिकल यानी कि शारीरिक, क्या हो जाएगा, फिजिकल यानी कि शारीरिक। नेक्स्ट है विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्ट है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है ज़्यादा, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है NIN का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों NIN का मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में है, कहाँ पे है, हैदराबाद में। NIN का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अनुसार संतुलित आहार से अभिप्राय ऐसे भोज्य पदार्थों से है जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित अनुपात में मौजूद हों। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, तो कैल्शियम। हड्डियों दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से अदा करता है, बट सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है कैल्शियम में।
नेक्स्ट दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। बट HDL जो होता है, LDL जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसकी संख्या बढ़ने से ब्लड प्रेशर या हेमरेज आदि संबंधी रोग हो जाते हैं, दिल की जैसे कि हार्ट अटैक आदि बीमारी होती है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से धमनियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त अच्छा से फ्लो नहीं कर पाता और धक्का देने से नसें फट जाती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे क्या विषम है, यहाँ पे मायोसिन, कैसिनोजिन, एल्ब्यूमिन, तीनों ही आपके अंगों के, जैसे मायोसिन मांसपेशी की प्रोटीन एक्टिन मायोसिन पाया जाता है, तो मायोसिन है। कैसिनोजिन एल्ब्यूमिन जो भी प्रोटीन है रक्त में पाया जाता है। तो यहाँ पे विषम क्या है, निकोटीन, यह आपका डोपिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों विटामिन डी यहाँ पे विषम है, क्योंकि विटामिन डी जो है फैट सोल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी सी और एच जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए विटामिन डी जो है यहाँ पे विषम है। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? तो टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है? लाइकोपीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं? तो लाल शाह बुखारी जो है वह 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में, जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल पाया, और 2028 में कप्तान थे जय सिंह। नेक्स्ट है, द गोल्डन हार्ट ट्रिक माई हॉकी डेज किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है बलबीर सिंह की। किसकी है? बलबीर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया? तो साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में पदक अर्जित किया? तो दोस्तों इन्होंने 58 kg भार वर्ग में ओलंपिक 2016 में कुश्ती में कांस्य पदक अर्जित किया। ये भारत की पहली महिला रेसलर हैं जो ओलंपिक में कोई पदक जीती हैं। नेक्स्ट है, प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, और एशियन खेलों का नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, एंड एशियन खेलों को शुरू करने का श्रेय यानी एशियन खेलों का पितामह डॉक्टर GD सोनी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसियंट मैरी के नाम से जाना जाता है? तो मैरी काम बेस्ट बॉक्सर खिलाड़ी मैरी काम को जाना जाता है। नेक्स्ट, कोनेरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध है शतरंज से। किससे है? शतरंज यानी चेस से। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है?
तो इसमें से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? तो प्रिया पुनिया का संबंध कुश्ती से नहीं है। बाकी गीतिका जाखड़, अलका तोमर, नेहा राठी का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो कबड्डी के लिए। किसके लिए? कबड्डी के लिए। नेक्स्ट है, पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पूर्णिमा ट्रॉफी जो है वह वॉलीबॉल से रिलेटेड है। एक है पद्मा ट्रॉफी जो क्रिकेट महिला से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, रूबेला नामक, यानी रूबेला एक प्रकार का खसरा रोग है जिसे रूबेला कहा जाता है। रूबेला नामक रोग शरीर के किस विषाणु से फैलता है? तो यह टोंगा वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? टोंगा वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट है, रेबडो वायरस का संबंध किस रोग से है? तो रेबडो वायरस का संबंध रेबीज से है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, अलर्क रोग भी बोला जाता है। यह संक्रमित स्तनधारी के द्वारा जानवरों के काटने से फैलता है, जिससे पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे खसरा, चेचक, पोलियो, ये तीनों वायरस से फैलने वाले रोग हैं, बट फाइलेरिया यहाँ पे विषम है, क्योंकि फाइलेरिया जो है यह पैरासाइटक रोग है, बाकी का संबंध विषाणु जनित रोग से है। नेक्स्ट दोस्तों, एलिसा परीक्षण में से किससे संबंधित है? तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स से रिलेटेड है, बट यहाँ पे आंसर दिया है उपरोक्त सभी एंटीबॉडीज, वायरल रोग, एड्स, इन तीनों को जांच करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिटोट स्पोर्ट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो बाइटोट धब्बा जो होता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे राउंड बैक, काइफोसिस, हंच बैक, यह कुबड़ा यानी कि काइफोसिस से रिलेटेड है, बट यहाँ पे स्वे बैक आपका अलग है, क्योंकि स्वे बैक का संबंध लार्डोसिस से है, बाकी कुब्जता के उपनाम है। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तानासन निम्न में से किस आकृति के सुधार में अधिक लाभकारी होता है? तो यह होता है अग्रकुब्जता के लिए ज्यादा लाभकारी होता है पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट है, विकृति का नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ के आकार को देती है, तो दोस्तों वह होता है पार्श्व कुब्जता यानी कि स्कोलियोसिस। लेटरल डिविएशन यानी कि पार्श्व कुब्जा यानी स्कोलियोसिस में एस या सी की आकृति बन जाती है, रीढ़ एक दूसरे की तरफ मुड़ जाता है। नेक्स्ट है, स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पार्श्व कुब्जता यानी कि लेटरल डिविएशन यानी कि स्कोलियोसिस को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसे हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है मार्शल मालपिघी को। नेक्स्ट है, एक वयस्क में कितने कशेरुकाएं होती हैं? तो वयस्कों में पूछे तो 26 होगा, बच्चों में पूछे तो 33 होगा। नेक्स्ट है, लंबोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों लंबोइड सूचर जो है वह ऑक्सीपिटल पैराइटल के अस्थियों के बीच पाया जाता है लंबोइड सूचर। जैसे कि ज्वाइंट्स जो है तीन प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अर्धचल। तो अचल संधि में
हमारा खोपड़े का दो जोड़, दांतों का जोड़ और एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है। नेक्स्ट है, किसे कोशिका का राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन में होना चाहिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा राइबोसोम, तो ये उल्टा कर दिया है, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है। तो दोस्तों संपूर्ण शरीर को ढका है इपिथिलियम टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। नेक्स्ट है, मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो दोस्तों मांसपेशी क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सार्कोमियर को। नेक्स्ट है, डेल्टाइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है। तो डेल्टाइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैटिमस डोर्सी। कौन हो जाएगा, लैटिमस डोर्सी। लैटिमस डोर्सी यहाँ पे आपका राइट होगा। जैसे कि एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट क्या होता है, जो मांसपेशी संकुचन करने में मुख्य भूमिका अदा करे उसे एगोनिस्ट कहते हैं, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करे उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। निम्न में से क्या विषम है। तो यहां पे आपको देखना है निम्न में से क्या विषम है। तो फिक्सेसर, स्टेबलाइजिंग एंड मूवर, ये पेशियों की स्थिति है कि किस प्रकार से मोमेंट करती हैं, जबकि यहाँ पे बैलिस्टिक आपका अलग है, क्योंकि बैलिस्टिक यह लचकता को विकसित करने की विधि है, बाकी मांसपेशी की क्रिया है। बाकी सब क्या है, फिक्सेशन, स्टेबलाइजिंग, मूवर, ये सब क्या है, मांसपेशी की क्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अचल संधि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सूचर ज्वाइंट, पेगन साकेट ज्वाइंट, इन्फीरियर टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट, ये तीनों सूचर ज्वाइंट यानी अचल संधि के अंतर्गत आता है, बट कार्पस नहीं आता है। कार्पस टार्सस ज्वाइंट जो है सैडल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, जो चल संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। और इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका को, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एक श्वसन में अंतर श्वसन के दौरान अधिक से अधिक अंदर ली गई वायु की मात्रा तथा सामान्य रूप से बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एयर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एयर। जैसा कि सामान्य श्वसन में सांस को अंदर लेना बाहर लेना टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, एंड सांस को अधिक से अधिक अंदर लेना कॉम्प्लीमेंट्री एयर, फिर अधिक से अधिक बाहर छोड़ना सप्लीमेंट्री एयर, फिर इस सब को मिला करके वाटर कैपेसिटी बनता है, अधिकतम ली गई वायु एंड अधिकतम छोड़ गई वायु की मात्रा। यह आपका 4600 ml होता है वाटर कैपेसिटी। नेक्स्ट है, अमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है। अमाशय यानी स्टोमच में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है, तो रेनिन। कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन। अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जठरग्रस्त स्थापित होता है, जिसमें रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है,
एमाइलेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशियों में भारत को क्या कहते हैं, तो हृदय की मांसपेशियों के में परत को वैज्ञानिक भाषा में मायोकार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा अंग श्वसन व रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, तो वह होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। सभी चीज़ों को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होगी, तो दो से छः वर्ष तक का पूर्व बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था, उसके बाद 6 से 11-12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है। नेक्स्ट है सोमेटो टाइप स्केल में 1-7-1 किसे दर्शाता है, तो सोमेटो टाइप स्केल में सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है बॉडी टाइप को, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक। इसमें से 1-7-1 का मतलब है मेसोमोर्फिक। क्या है मेसोमोर्फिक, क्योंकि दूसरा अवस्थापक कौन आता है मेसोमोर्फिक। अगर रहता 1-7-1-1 तो एंडोमोर्फिक होता, यदि 1-1-7 होता तो एक्टोमोर्फिक होता। नेक्स्ट है किसने कहा व्यक्ति व्यक्ति में उन मन शारीरिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो शारीरिक जो वातावरण के साथ उसके पूर्व समायोजन का निर्धारण करती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा अल्पोर्ट ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट है सीखने का प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का निर्माण 1904 में किसने किया था, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का निर्माण 1904 में अल्फ्रेड विने और सिमन ने किया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का निर्माण 1904 में अल्फ्रेड बिनेट ने एंड सीमन ने, अल्फ्रेड बिने और सीमन ने मिलकर किया। निम्न में से क्रेसमर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक प्रकार है। निम्न में से क्रेसमर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का एक प्रकार है, तो क्रेसमर ने मुख्य रूप से 3 और 1/4 बॉडी टाइप दिया था। मुख्य रूप से 3 में है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्काय बॉडी होगा एस्थेनिक वाला, एथलेटिक वाला। ठीक है, यहाँ पे बहिर्मुखी और प्रधान पीला पीज वाला अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों खेल, किसे खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, तो कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, और मनोविज्ञान का पिता विलियम वोंड को कहा जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान का पिता विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट है सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से जाना जाता है, तो वर्टिकल जंप को सार्जेंट जंप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया था, तो 1980 में। कब किया था, 1980। तो ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण बनाया,
तो 1980 में, कब बनाया, 1980 में, जिसमें 5 टेस्ट आइटम है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या विषम है, तो इसमें क्या विषम है आपको ये देखना है कि इसमें क्या विषम है। तो इसमें टीची टेस्ट जो है वह विषम है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स को मेजर करता है, एंड इसमें बर्फी टेस्ट, शटल रन एंड इसका थ्रस्ट टेस्ट, ये एजिलिटी यानी चपलता को मेजर करता है। नेक्स्ट है 220 माइनस आयु किसका सूत्र है, तो यह अधिकतम हार्ट रेट दर यानी MHR का सूत्र है, निकालने का सूत्र है। नेक्स्ट, डीके थलान की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है, तो इसकी अंतिम स्पर्धा 1500 मीटर दौड़ होती है, और डीके थलान एंड हेप्टाथलान, पेंटाथलान एंड ट्राइथलान, इन चारों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया गया है, और आप सभी डाउट क्लियर कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से बताया गया है छोटे पार्ट में बता करके। नेक्स्ट है, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को बोला जाता है, तो फ्लो जो के नाम से बोला जाता है फ्लोरेंस ग्रिपिथ जॉइनर। नेक्स्ट है, परीक्षण चक्रों को करते हुए क्रम में निम्नलिखित प्रशिक्षण चक्रों को घटते हुए क्रम में रखिए, तो सबसे पहले हो जाएगा ओलंपिक चक्र योजना, एक चक्र योजना बनाएंगे, उसके बाद मैक्रो चक्र, फिर मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र होगा। तो ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या विषम है, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी की, बीसीसीआई ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी की, संतोष ट्रॉफी, इसमें से क्या विषम है। तो दोस्तों, इसमें विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है विषम है, क्रिकेट से संबंधित है, जबकि मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, बीसीसीआई ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, दोस्तों थ्री पॉइंट गोल एरिया कहाँ पाया जाता है, बॉक्सिंग बास्केटबॉल में, तो वन का थ्री हो जाएगा। फ्री जोन किस में पाया जाता है, तो खो खो में, तो वन का थ्री हुआ, वन का थ्री वर्क रेखा। फ्री जोन जो है वो चौथा है खो खो, तो फ्री जोन चौथा हो गया खो खो। बकरेखा जो है कबड्डी से रिलेटेड है, बकरेखा दो, यहाँ पे तीसरा का दो होगा, ठीक है। एंड बेस रेखा जो है वो टेनिस के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सम्मिलित करना है कि 1900 जो है में सबसे पहले भारत के नागरिक ने, भारत की तरफ से कोई खेला था, एंग्लो इंडियन नॉर्मन फ्रिचार्ड ने एक करने में, लिएंडर पेस ने कहाँ से पहले जीता था, टेनिस खिलाड़ी हैं। 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर जो है पदक जीते थे, सबसे पहले स्वर्ण पदक निशानेबाजी में, किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं राजवर्धन सिंह राठौर, ओलंपिक में भारत की तरफ से। नेक्स्ट, 2008, तो 2008 में विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है,
तो खेलों में प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो विश्वविद्यालय सबसे अच्छा प्रदर्शन फर्स्ट स्थान लाता है उस विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौका ट्रॉफी दिया जाता है, जिसे 60 मौका कहा जाता है। 1956-57 से दिया जा रहा है, जिसे सबसे पहले दिया गया बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। एंड वर्तमान में सबसे ज़्यादा बार 23 बार मौका ट्रॉफी जीता है 2023 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जो 2023 में अब तक में 23 बार जीत चुका है। सबसे ज़्यादा बार मौका ट्रॉफी जीतने वाला विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? इसका सूत्र है n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2। तो n किसका है? तो यहाँ इसमें बाई, एक बाई मिलेगा, एक बाई यानी कि यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 × 4 × 8 × 16 16 में से 15 घटाएंगे बचेगा 1, यानी कि 1 बाई मिलेगा। कितना बाई मिलेगा? बाई 1 हो गया, बाई कितना हो गया? बाई 1 हो गया। यानी सूत्र क्या है? n माइनस n कितना है? 15। n माइनस नंबर ऑफ बाई, बाई कितना है? 1/2 यानी कि 14/2 यानी 7 × 14 यानी कि कितने बाई, कितने राउंड में मैच, कितने मैच खेलेंगे पहले राउंड में? तो 7 खेलेंगे। इसमें कितने खेलेंगे? 7 आपका राइट आंसर होगा। नेशन ओपन वाटर स्विमिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों ओपन वाटर स्विमिंग का संबंध जो है फीना से है। किससे है? फीना से है। फीना का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर फीना जो है इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अंतर्गत स्विमिंग, गोताखोरी यानी कि डाइविंग, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज स्विमिंग एंड ओपन वाटर स्विमिंग आते हैं। तो ओपन वाटर स्विमिंग किसमें आता है? फीना के अंतर्गत। फीना का स्थापना जो है 19 जुलाई में स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, पुनरावृत्ति विधि यानी चक्रीय विधि सर्किट ट्रेनिंग का संबंध किससे है? तो सहनशीलता से, शक्ति सहनशीलता को ज्ञात करता है। नेक्स्ट है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक आयोजन कब और कहाँ होगा, हुआ था? तो 1924 पेरिस फ्रांस में प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट है, एफ्लुरेज नामक शब्दावली संबंधित है? तो दोस्तों यह मालिश से संबंधित है, मालिश यानी मसाज से। मसाज 4 प्रकार के हैं। SPPS इसका ट्रिक बना हुआ है। तो मसाज वाले वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर डिटेल में बताएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस अस्थि भंग को क्या कहते हैं जिसमें एक अस्थि टूटकर दूसरे हड्डी पर रगड़ खाने लगती है? तो उसे संघात या अस्थि भंग कहते हैं, या इम्पैक्टेड, संघात या इम्पैक्टेड अस्थि भंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस चोट को एपिकोंडाइलिटिस भी कहा जाता है? तो दोस्तों टेनिस एल्बो को एपिकोंडिलाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव के कारण मांसपेशी तंतु अधिक सीमा से अधिक खिंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मांसपेशी तंतु या टेंडन की खींचने के बाद कहे तो वहाँ पे स्ट्रेन हो जाएगा, एंड लिगामेंट की बात करें जोड़ों पर तो वहाँ पे स्प्रेन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस उत्तलक की श्रेणी में बताइए जिसमें बल अक्ष और भार के मध्य होता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि एफ
ए आर यानी कि 312, यानी कि फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होगा फोर्स एंड रेसिस्टेंस की, एंड सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होगा, एंड थर्ड प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी कि बल बीच में होगा, लोहे के बीच में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल बीच में यानी फोर्स बीच में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट है, वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु का वेग जो है नेक्स्ट वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु का वेग जो है विंड गेज से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? विंड गेज से, विंड गेज से मापा जाता है वायु की दिशा, और विंड गेज से वायु का वेग मापा जाता है। वायु का वेग 100-200 मीटर दौड़, एंड 100-110 एंड 400 मीटर बाधा दौड़ एवं लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप में किया जाता है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? दोस्तों, तो 1996 को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 100 वर्ष ओलंपिक पूरता है, क्योंकि 1896 में शुरुआत हुआ था, फिर 1996 को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बॉस्ट नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम स्थित है। तो बॉर्डनेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? बीजिंग चीन में। कहाँ पे है? बीजिंग चीन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं वीडियो की क्वालिटी खराब होगा, तो उस पर उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और क्वेश्चंस आंसर को देखिएगा। तो दोस्तों, ये डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।